जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। अब एक नई पहल की जा रही है जिसके अंतर्गत अब वकील लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को उनके कानूनी अधिकार के तौर पर अवगत कराएंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की पहल सामने आ रही है। स्कूल कॉलेज भी इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने का फैसला लिया है। इसके लिए वॉलंटियर्स के रूप में 200 से अधिक वकील तैयार किए जा रहे हैं। वकील गांव के साथ साथ स्कूल और कॉलेजों में भी जाएंगे और उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देंगे। हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के सचिव अरविंद दुबे के मुताबिक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी से मिलकर पदाधिकारियों ने इसके लिए पहल की थी। बताया गया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उसके साथ बार एसोसिएशन के सदस्यों को भी शामिल किया जाए तो यह व्यवस्था और भी बेहतर होगी। पदाधिकारियों ने बताया कि इस काम के लिए वकील व्यक्तिगत तौर पर रुचि ले रहे हैं और बिना किसी शुल्क के विधिक अधिकारों के लिए सेवा करने को तैयार हैं। अब तक बात करें तो लगभग ग्रीष्मकालीन अवकाश में गाँवों में जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही बात करें तो अब जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जून माह में गांव-गांव जाकर लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जानकारी देंगे। इसके साथ ही उन्हें विधिक सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान स्कूल कॉलेज के साथ साथ बच्चों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सिग्नल तोड़ना अब और महंगा हो गया है क्योंकि नए मोटर व्हीकल ऐप के तहत जुर्माने की राशि को 200-300 रुपए से बढ़ाकर के 2000 रुपए कर दिया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ना अब लोगों को बेहद भारी पड़ेगा। लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले या फिर रेड लाइट सिग्नल जंप करने वालों को 300 नहीं बल्कि 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह जुर्माना लिया जाएगा। अभी तक ई चालान या फिर मौके पर रेड लाइट जंप करने वालों से पुराने नियमों के तहत ही 300 रुपए का जुर्माना लिया जाता था। केवल उन्हीं मामलों में 2000 रुपए का जुर्माना होता था जो मामले कोर्ट जाते थे, लेकिन अब घरों में आने वाले ई चालान और मौके पर ही पकड़ाने वाले लोगों को 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक अफसरों का कहना है कि सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगातार काम कर रहे हैं, इसके बावजूद लोग रेड लाइट सिग्नल की अनदेखी कर आगे बढ़ जाते हैं। इससे हादसों की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को घरों पर ई चालान भेजे जा रहे थे, लेकिन लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब सिग्नल जंप करने वालों से भी कड़ाई से निपटा जाएगा और इन सभी लोगों से 200 रुपए की जगह पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना यानी कि 2000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि रेड लाइट जंप करने के अलावा रॉन्ग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन में 3 सवारी, साथ ही साथ तेज रफ्तार एवं स्टाफ लाइन का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती से कार्यवाही किया जाएगा। मौसम का मिजाज बदलने की वजह से 2 दिन गर्मी से राहत दिखाई दे रही है। डोंगरगढ़ में आंधी से निर्माणाधीन 2 करोड़ रुपए के स्कूल भवन की छत उड़ गई। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीती शाम को मौसम का मिजाज अचानक बदला। तेज आंधी तूफान के साथ साथ कई जिलों में तेज झमाझम बारिश हुई। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की बात करें तो आंधी की वजह से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छत उड़ गई। इधर कबीरधाम में भी जमकर बारिश हुई है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा समेत आसपास के कुछ जिलों में शाम के समय तेज अंधड़ के साथ साथ बारिश संपन्न हुई है। इधर बस्तर में भी बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे स्वामी आत्मानंद स्कूल की छत उड़ने से काफी नुकसान हुआ है। इधर 7 और 8 मई को मौसम की बात करें तो फिलहाल सुहाना रहने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने कहा कि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव की वजह से अब जो है यहाँ पर मौसम बदला है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल 2 दिन गर्मी से राहत बताई जा रही है। सफर पर सरकार निकल चुकी है और हर वर्ग हर गांव-गांव पर फीडबैक लेने से छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य की रणनीति को आकार मिलने जा रहा है। जमीनी हकीकत जानने के लिए सफर पर निकली सरकार से मिल रहे फीडबैक आने वाले दिनों में रणनीति बनाने के काम आएंगे। CM भूपेश बघेल संभवतः 3 महीने तक इसी थीम को लेकर के प्रदेश भर के दौरे पर रहेंगे। इससे मिले फीडबैक के आधार पर सरकार चुनावी रणनीति को आकार देगी। मुख्यमंत्री का प्रदेश व्यापी दौरा केवल सरकार के मुखिया तक का ही नहीं है,
बल्कि यह प्रभारी मंत्री से लेकर के मुख्य सचिव और निचले स्तर पर प्रशासनिक अमले का भी है। हर विधानसभा क्षेत्र में तीन तीन गांवों में सरकार के पहुंचने का अर्थ है गांव-गांव से जानकारी मिलेगी। दो दिन की सरकार की यात्रा के परिणामों पर नजर डालें तो इससे साफ दिख रहा है कि किसान न्याय योजना और गोबर खरीदी की योजना ने सरकार को गांव-गांव में लोगों से बात करने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन हाल ही में जिस योजना का सरकार की सोच ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है वह है स्वामी आत्मानंद के नाम पर शुरू किए जा रहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल। इस योजना से प्रबुद्ध वर्ग से एक लहर सी दौड़ गई है। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं तो आत्मानंद स्कूल चालू करने के लिए उनको सीधे न केवल साधुवाद मिल रहे हैं बल्कि लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि इस योजना का लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। यानी कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का निर्णय सरकार को उत्साहित करने वाला है। 50 ट्रेनें कैंसिल करी जा चुकी हैं और सिर्फ 5 ट्रेनों में ही एक्स्ट्रा कोचेस लगाए जा रहे हैं। मनमानी जो है रेलवे की सामने आ रही है जिसकी वजह से बची हुई ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। समर वैकेशन के बीच ट्रेनों को कैंसिल करने का असर दूसरी ट्रेनों पर दिखने लगा है। अचानक ट्रेनों को रद्द करने के बाद दूसरी गाड़ियों में यात्रियों का दबाव अचानक से बढ़ गया है और कन्फर्म बर्थ के लिए मारामारी हो रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने 5 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का फैसला किया है। फिलहाल कोरोना के 2 साल बाद ट्रेनें शुरू हुई हैं। ऐसे में ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ ही शादी के सीजन में यात्रियों की भीड़ एकाएक बढ़ गई है। इधर रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 50 से अधिक एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया है। इसके अलावा दूसरी गाड़ियों में भी यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गई है और कन्फर्म बर्थ पाने वाले यात्रियों की होड़ मच गई है। बर्थ नहीं मिलने के कारण यात्रियों को सफर करना कैंसिल भी करना पड़ रहा है। इसके चलते यात्री सुविधा को देखते हुए रेलवे ने दुर्ग भोपाल एक्सप्रेस, बिलासपुर इंदौर, बिलासपुर रायपुर पैसेंजर में एक्स्ट्रा स्लीपर कोच के साथ ही गेवरा रोड व शिवनाथ एक्सप्रेस में एक एक सामान्य कोच जोड़ने का फैसला किया है। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम के बारे में। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल इस प्रकार की अपडेट सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो CGBSE 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम मई 2022 के पहले से लेकर के दूसरे सप्ताह तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट CGBSE.NIC.in पर घोषित कर दिए जाएंगे। जिन भी छात्र और छात्राओं ने परीक्षा दी है वो अपना परिणाम चेक करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और दिए गए परिणाम लिंक में cgbse.gov.in या फिर cgbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो 10वीं और 12वीं के लिए पंजीकरण संख्या यानी कि रोल नंबर आपको दर्ज करना होगा। बता दें कि परिणाम घोषित होने से पहले अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका ऐलान कर दिया जाएगा जिसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक सक्रिय हो जाएगा। छात्र CGBSE 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 2022 को चेक करने के लिए स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहां पर नायक अवतार सामने आ रहा है। गायों के चरान को लेकर के शिकायत मिलने पर DFO रेंजर सहित कई तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया। पब्लिक ने इसकी वजह से तालियां भी बजाई हैं। दरअसल प्रदेश व्यापी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा पहुंचे। यहां पर वे गोविंदपुर आंगनबाड़ी और पंचायत भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान दस्तावेज दुरुस्त न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिकायत मिलने पर गोविंदपुर गौठान में संबंधित शिकायत मिलने पर कार्यवाही की और CM ने जिले के DFO मनीष कश्यप और एक और रेंजर को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोविंदपुर चौपाल पहुंचकर 74,59,000 रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया है। इसमें बात करें तो पद्मश्री स्वर्गीय राजमोहिनी देवी समाधि के सौंदर्यीकरण के लिए साथ ही साथ गोविंदपुर में 33 KV सब स्टेशन की स्थापना के लिए इसके अलावा हाथी प्रभावित 13 गांव के 33 स्थानों में सोलर हाई मास्क लाइट लगाने और गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की है। चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और देसी फल 4 के पाका का स्वाद भी चखा। मांग से सहमत तरीके से नहीं, ये बातें कही गई स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के द्वारा जब अचानक रुका TS सिंहदेव का काफिला और प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मचारियों से बात करने लगे स्वास्थ्य मंत्री। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कांकेर के कलेक्ट्रेट मार्ग पर प्रदर्शन पर बैठे मनरेगा कर्मियों से वाहन रुकवा करके चर्चा की। सिंहदेव ने मनरेगा कर्मियों से कहा,
और मेरी सरकार जो है आपकी हर मांग से सहमत है, लेकिन मांग करने का तरीका गलत है। जिसके बाद से मनरेगा कर्मचारियों ने टीएस सहदेव से कहा कि आपके ऊपर हमें भरोसा है, आप कहें तो हम अभी अपना धरना खत्म करने को तैयार हैं। जिसके बाद से टीएस सहदेव ने मनरेगा कर्मचारियों से मजदूरों को हो रहे नुकसान पर ध्यान देने को कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जुदा जुदा अंजाज सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टूडेंट्स के साथ गिल्ली डंडा खेला, इसके अलावा बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर भी कराई। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज बच्चों की जीत के आगे झुकना पड़ गया। उनका यह जुदा अंजाज सूरजपुर में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने रघुनाथ नगर में स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की। इसी दौरान कक्षा 2 की एक बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे आज ही हेलीकॉप्टर की सैर करनी है। तब कक्षा के अन्य बच्चों ने भी उनके सुर में मिलाया तो सीएम ने उनकी बात माननी पड़ी। इसके अलावा उनकी जीत को पूरी करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश देकर बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई। इसके साथ ही प्लेग्राउंड में प्रदेश के सियासी खेल के अहम खिलाड़ी का बचपन देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ग्राउंड में गिल्ली डंडा खेलने लगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे मुख्यमंत्री से मिलकर काफी उत्साहित हुए और इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री को राजगीत अरपा पैरी के धार गाकर सुनाया। मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े होकर ये गीत गुनगुनाते दिखे। कोरोना काल में बच्चों की अब जो है यहाँ पर आईक्यू लेवल में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से बच्चे जो है जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं। इस बात की यहाँ पर एक स्किल पर जो है उनका असर पड़ा है, लर्निंग स्किल की हम बात कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में 2 साल में बच्चों की सीखने समझने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत से बच्चे अभी भी ना तो लिख पा रहे हैं और ना ही पढ़ पा रहे हैं। कई बच्चे अपने साथियों के साथ संवाद करने में भी झिझक रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो बच्चों में ऑप्टिक्स से मिलती जुलती समस्याएँ देखी जा रही है। ये 3 से लेकर के 8 साल उम्र के बच्चों में ज्यादातर सामने आ रहा है। इसके अलावा कोरोना काल के 2 साल के दौरान टीवी मोबाइल पर बच्चे लगे रहे, इसके असर से उनकी लर्निंग स्किल पर पड़ी है। ना ही वे इशारे समझ पा रहे हैं और ना ही बोलचाल की भाषा समझ पा रहे हैं। प्रदेश के पुराने बच्चों के सरकारी अस्पताल में ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी को ऑप्टिज्म कहा जाता है। पहले भी मामले आते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। इस साल जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 25 से 30 केसेस इस वजह से आ चुके हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल की वजह से किस प्रकार का बुरा मानसिक दबाव इन बच्चों पर पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। 4 लाशें एक ही कमरे पर पाई गई। फंदे से लटका मिला था पति पत्नी का शव, 2 बच्चों के शव पलंग पर पड़े थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाशें मिली हैं। लाज के कमरे में पति पत्नी के शव फंदे पर लटके मिले, जबकि 2 बच्चों की लाश पलंग पर पड़ी मिली थी। इस मामले का पता जब यहाँ पर काफी देर तक परिवार के लोगों ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला था। इसके बाद संचालक ने पुलिस को सूचना दी थी, तब सभी जो है लाश के जो है कमरे के अंदर पाए गए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।